नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करते हैं, और ये जो पार्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। इसके कुछ चीज़ें आप टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जगह पढ़े होंगे, यहाँ चीज़ें सब एक जगह कर देते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना, ये खूब पूछा जाता है। आप बच्चों याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि एक्स का फंक्शन हो, याद करो, वाई का फंक्शन हो, जेड का फंक्शन हो, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो होता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल फंक्शन है वो चूंकि एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी और जेड पे भी, तो जब ये कहलाता है पार्शियल डेरिवेटिव। इसका मतलब जब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो टेम्प्रोरली या वाई और जेड को क्या मान लोगे, कांस्टेंट, तब टेम्प्रोरली जो है वाई और जेड को कांस्टेंट ले लोगे, ठीक है, तब आप टेम्प्रोरली वाई और जेड को कांस्टेंट ले लोगे, इसीलिए पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं वैसे ही करोगे, लेकिन जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई और जेड को टेम्प्रोरली कांस्टेंट ले लोगे। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट होगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कॉम्पोनेंट होगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ये हो गया। ये आप पढ़ाई किए हो, इसको यूज भी किए हो। अब ये पोटेंशियल था, यदि पोटेंशियल एनर्जी लेते हो, यू इज द पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए डिपेंड करता है एक्स पे, वाई पे, जेड पे, तो इसका जो नेगेटिव स्लोप होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट होता है किसी डायरेक्शन में, तो वो क्या देता है, फोर्स का कंपोनेंट देता है। इसका मतलब जो एफ एक्स है वो माइनस डेल यू बाय डेल एक्स है, जो एफ वाई है वो माइनस डेल यू बाय डेल वाई है, मतलब सब पार्शियल डेरिवेटिव है, और एफ जेड है वो माइनस डेल यू बाय डेल जेड है। नेचुरली ये जरूर कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स से ही पोटेंशियल जी क्या होता है, एसोसिएट होता है, कंजर्वेटिव फोर्स से ही पोटेंशियल जी आपका एसोसिएट होता है, ये जरूर कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, ये जरूर कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। आई बात समझ में? तो हम लोग यही चीज पढ़ेंगे अभी। ये पहले पढ़ चुके हैं, यही चीज हम लोग पढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं हम। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय यू इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी आपका है, लिखो, इफ ए इक्वल टू माइनस 2 जूल पर मीटर क्यूब, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट द पॉइंट पी, 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर। अब वीडियो रोक दो और इसको कर डालो। ठीक है, तो वीडियो रोक के इसको कर डाले होंगे, ए का वैल्यू यहां हम पुट कर देते हैं, वीडियो रोक के इसको कर डालो, आई होप इसको कर डाले। यहां मेरे बच्चे ए का हम वैल्यू पुट कर लेते हैं -2। अब पहले डेल यू बाई डेल एक्स करते हैं,
ठीक है, तो पहले एफ एक्स हम लोग लिखते हैं माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है टू। और इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, कीपिंग टेम्पोरली वाई और जेड कांस्टेंट, तो हो जाएगा टू एक्स इंटू वाई, चूंकि y प्योर कांस्टेंट है और केवल x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और टेम्पोरली y और z को क्या मानेंगे कांस्टेंट, तो ये प्योर नंबर हो गया तो ये जीरो हो गया, प्लस z स्क्वायर x का x के रेस्पेक्ट में बोलो वन। अब आप क्या करिए, वैल्यू पुट करिए, चेक द कैलकुलेशन, टू x इज टू y इज वन प्लस z स्क्वायर इज नाइन, देन इट इज फोर प्लस नाइन थर्टीन, चार नौ चार तेरह, ये 26 हो गया न्यूटन। कैसे किए समझे, अब fy निकालो माइनस डेल यू बाई डेल वाई, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पूरे एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करो वाई के रेस्पेक्ट में, कीपिंग अदर एज वेरिएबल्स एज ए कॉन्स्टेंट, तो ये एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा और ये हो जाएगा टू वाई जेड, और इसमें y है ही नहीं तो ये हो जाएगा जीरो, देन दिस इज कमिंग, कैलकुलेशन थोड़ा सही से करो, टू एक्स स्क्वायर करोगे तो फोर प्लस टू वाई इज वन जेड इज थ्री, तो सिक्स प्लस फोर इज टेन, इज इट ट्वेंटी, ट्वेंटी न्यूटन, एंड दिस मस्ट बी 26 न्यूटन, चेक इट, इट इज अ फ्रेश, जस्ट कैलकुलेट इट, देन वी हैव एफ जेड माइनस डेल यू बाय, माइनस डेल यू बाय डेल जेड, तो माइनस माइनस प्लस टू, इसमें जेड है ही नहीं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जेड एक्स इक्वल टू टू इंटू हाउ मच इज वाई स्क्वायर, वन का स्क्वायर इज वन प्लस टू, जेड इज हाउ मच इंटू एक्स, एक्स इज हाउ मच, सो दिस इज फोर इंटू थ्री, सो दिस इज फोर इंटू थ्री इज ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन, 26 न्यूटन, सो ऑल द थ्री कंपोनेंट्स वी गेट, देयरफॉर द फोर्स वेक्टर विल बी एफ इक्वल टू 26 आई प्लस 20 जे प्लस 26 के, दिस मच न्यूटन, दिस मच न्यूटन, ओके। आई होप दिस इज, देन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप नहीं किए होंगे तो वीडियो रोक के इसको कर डालिए, है ना, लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय यू इक्वल्स टू ए इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इफ ए इक्वल्स टू वन जूल पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट द पॉइंट पी, एट द पॉइंट पी, वीडियो रोक के बच्चों पहले सुखा डालो,
वीडियो रोक के पहले इसको कर डालो, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स होगा, ए को यहां वन पुट कर दो तो वन गायब ही हो गया, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। तो पूरे एक्सप्रेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, कीपिंग वाई और जेड कांस्टेंट। तो चूंकि एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन थी, वाई हो गया, इसमें एक्स है ही नहीं और ये जेड, तो वाई प्लस जेड करोगे तो वाई है तुम्हारा वन, जेड है थ्री, सो दिस इज माइनस फोर। एफ वाई इज माइनस डेल यू बाई डेल वाई, माइनस अब वाई के रेस्पेक्ट में करो डेरिवेटिव लो, तो ये एक्स होगा प्लस जेड और उसमें है ही नहीं, और एक्स और जेड का वैल्यू पुट करोगे फाइव आ गया। देन एफ जेड इज माइनस डेल यू बाई डेल जेड, माइनस जेड के रेस्पेक्ट में कहते इसका जीरो हो जाएगा, ये वाई होगा प्लस एक्स, y और x का वैल्यू पुट करोगे तो थ्री आ जाएगा, माइनस थ्री। इज इट माइनस थ्री? सो इट इज माइनस फोर आई माइनस फाइव जे माइनस थ्री के। लिखो, पोटेंशियल ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय u इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एंड a इक्वल टू माइनस वन जूल पर मीटर स्क्वायर। Find the net force on the particle. Net force on a particle located at the point P. अब इसमें क्या है कि इसमें केवल x है, y और z है ही नहीं, तो एफ एक्स हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, तो माइनस माइनस प्लस टू एक्स, और एक्स का वैल्यू टू पुट करोगे तो फोर, और वाई और जेड है ही नहीं तो वाई और जेड के रेस्पेक्ट में जीरो, तो बाकी दो कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, एफ वाई एफ जेड, तो यही आंसर हो जाएगा फोर आई न्यूटन में। अब कभी कभी क्या होता है कि पोटेंशियल जी डिपेंड करता है सेपरेशन आर बिटवीन द टू पार्टिकल, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी है माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल ऑफ सेम नेचर इज वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो लिखो, इफ द पोटेंशियल जी डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन स्मॉल आर, depends on the separation small r between the two particle say u as a function of r hai, then force acting between them along the line joining the particle, likho force acting between them along the line joining the particle is F equals to minus du by dr. F equals to minus du by dr. अब लिखो, if F is positive, then force is repulsive. Naturally, along the line joining है. If F is positive, then force is repulsive. And if F is negative, then force is attractive. Just likho, the gravitational potential energy of the system of two particle is given by minus G M1 M2 by R. System of two particle is given by minus G M1 M2 by R. Find the force acting between them. तो पहले बच्चे मेरे du by dr कर लो, तो minus g m1 m2
आर रेज टू पावर माइनस वन है तो इसको डिफरेंस, ये आर का पावर माइनस वन है तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस वन आगे आएगा, आर का पावर माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एम वन एम टू, ठीक है, आर स्क्वायर, ये एफ हो जाएगा। सो ये डी बाई डी आर हुआ, अब एफ होगा माइनस ऑफ डी बाई डी आर, तो एफ माइनस ऑफ डी बाई डी आर करो तो माइनस आ जाएगा, और माइनस केवल ये बताता है कि देर इज एट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड इज जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, एज यू नो द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाई डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है, विल एक्सपीरियंस फोर्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल गिवन बाई दिस एक्सप्रेशन एंड दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव हेंस माइनस। सो नेगेटिव साइन ओनली सेज दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, तो नेगेटिव साइन बताता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है। अब इसको रिवर्स करते हैं, तो लिखो इफ द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, सॉरी ऐसे लिखो, इफ द फोर्स एक्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग वीडियो रोक के इसको उतार लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाई डिस्टेंस स्मॉल आर इज गिवन बाय यू इक्वल्स टू माइनस, सॉरी क्या लिखे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाई डिस्टेंस स्मॉल आर इज गिवन बाय एफ इक्वल्स टू माइनस जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। सो माइनस ओनली सेज दैट देर इज अट्रैक्शन, माइनस ओनली सेज दैट देर इज अट्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग माइनस साइन ओनली सेज देर इज अट्रैक्शन, देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, तो यू निकालना है। अब उल्टा है उसका ये, तो हमें पता है कि एफ होता है माइनस डी बाई डी आर, ठीक है बच्चों, इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, इसलिए डी यू बराबर जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर डी आर, इसको इंटीग्रेट कर दो प्लस सी, इफ यू आर एबल टू इंटीग्रेट दिस, खुद कर डालो, मैं नहीं करूंगा, तो ये इंटीग्रेशन के बाद इतना आएगा प्लस सी। अब जो यूजुअल कन्वेंशन है कि जब सेपरेशन इन्फाइनाइट होता है, ये हमारा कन्वेंशन है कि आर जब इन्फाइनाइट होता है, सेपरेशन इन्फाइनाइट हो जाता है बिटवीन पार्टिकल, तो इफ आर इन्फिनिटी मीन्स सेपरेशन इज लार्ज, देन हम लोग यू क्या मानते हैं, जीरो, लार्ज सेपरेशन पे, तो यू जीरो है, रेफरेंस पॉइंट लेवल हुआ ये, बदल देंगे तो एक्सप्रेशन बदल जाएगा, तो यहाँ आर इन्फिनिटी पुट करो तो ये भी माइनस जीरो हो जाएगा, प्लस सी, इसे सी क्या आ जाएगा, जीरो, तो वहाँ पुट कर दो तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, ठीक है, इसको समझ लो। जैसे लिखो एन इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस सच दैट इस पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय यू इक्वल टू माइनस के बाय आर, वेयर के इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एंड आर इज द ऑर्बिट रेडियस, ठीक है, देन फाइंड
मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, हेंस इट्स काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज टोटल एनर्जी, एज वेल एज टोटल एनर्जी, एज वेल एज टोटल एनर्जी। वीडियो को एक मिनट के लिए रोक दो मेरे प्यारे बच्चों, अब तब इसको बेटा कर डालो, बिना खुद से ट्राई किए उतारना मत, बिना खुद से ट्राई किए उतारना मत। आप खुद से इसको कर डाले, अब आप सॉल्यूशन देखो। पहले हम कहेंगे du by dr, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये डिफ्रेंशिएट करो आर स्क्वायर हो जाएगा। ये मत पूछना कैसे, आर का पावर माइनस टू हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करके देखो। अब एफ जो होगा वो माइनस डी यू बाई डी आर होता है, और ये लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, मतलब रेडियल लाइन के लॉन्ग होगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ये माइनस क्या बता रहा है बताओ, कि देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, तो माइनस केवल इस बात के लिए होगा कि देयर इज अट्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बाय आर स्क्वायर, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इफ आर गेट्स कैंसिल्ड देन एम वी स्क्वायर आई गेट एज एम वी स्क्वायर हमारा आ जाता है मेरे बच्चों के बाय आर, देन द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दैट कम्स आउट टू बी बोलो के बाय टू आर। इसलिए टोटल एनर्जी जो होगा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब इन दोनों को जोड़ो तो जरा, तो काइनेटिक एनर्जी है के बाय टू आर, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के बाय आर, जोड़ता है इट इज माइनस के बाय टू आर, बोलो। तो आप क्या देखते हो, टोटल एनर्जी इज जो आप हाइड्रोजन एटम पढ़े थे बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आप चाहें टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं, यहां लगा दो तो ये आ जाएगा, तो ये रिलेशन आया। अच्छा, इसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी होता है के प्लस यू, और टोटल एनर्जी अब के जो है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी बराबर यू, इसलिए टोटल एनर्जी जो होगा यू बाई टू होगा। ये निकाल लिए, याद रहे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ये रिलेशन तभी होल्ड करते हैं कि टोटल एनर्जी बराबर इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल टू यू बाई टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा होल्ड नहीं करेंगे। ये तभी होल्ड करते हैं जब दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स एक्ट करे उस आर जो सेपरेशन है उसको वन बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, मतलब जब तक एफ वन बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं इसको, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए इन्वर्स फॉलोज इन्वर्स स्क्वायर लॉ जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, तो वहाँ पे ये होल्ड कर जाएगा। मतलब मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट इन द सर्कुलर ऑर्बिट, तो सैटेलाइट का मोशन प्लैनेट के अराउंड जो होगा सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वहाँ भी टोटल एनर्जी बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टू। फिर देखो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, उसमें भी ये बात होल्ड करेगा, क्योंकि कूलम्स फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को अवे करता है, मतलब वन बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और जिस दिन कूलम्स लॉ बदल के वन बाय आर का वन बाय आर क्यू हो जाए, वन बाय आर फोर हो जाए, तो टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो लिखो टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होल्ड्स ओनली ओनली व्हेन इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड्स।
ओनली व्हेन इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट. फिर लिखो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस. अब ठीक है, तो यही एफ वन बाय आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाए, आर फोर के प्रोपोर्शनल हो जाए, तो आपका ये चीज होल्ड नहीं करेगा बच्चों. प्रॉब्लम थ्रू देखेंगे हम लोग. अब हम लोग क्या सीखे, इसको मिटा दें तो ये कुछ तो बातें ध्यान रखोगे. सो टोटल एनर्जी कितना सीखे भाई, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, एम वी स्क्वायर इतना आया. टोटल एनर्जी कितना आया था बताओ, माइनस ऑफ के बाई टू आर. काइनेटिक एनर्जी कितना आया था, के बाई टू आर. एक पार्ट और पूछते हैं और ये पार्ट आपसे हो जाता है तो अच्छी बात, नहीं होता तो कोई बात नहीं. ठीक है, तो अब लिखो सपोज वोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होल्ड्स देन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड वी एंड रेडियस आर फॉर द nth ऑर्बिट, फॉर द nth ऑर्बिट. ठीक है, टेक सफिशियंट टाइम, शो योर कैलिबर एंड डू इट. हिम्मत है तो करो. तो मैं तो यहां तक किया ही था, करने के बाद इसको मिटा रहा हूं. टेक सफिशियंट टाइम, वीडियो बंद करके सफिशियंट टाइम लो, खुद कर डालो तो बहादुर. आई होप मेरे बच्चे कर डाले, अब मैं करता हूं. तो फिर जो अभी क्वेश्चन था उसमें यू इतना था और हम लोग जो एक एक्सप्रेशन निकाले थे, देखो तो निकाले थे एम वी स्क्वायर बाय के बाय आर, तो इसी को यूज करेंगे. ये पहला इक्वेशन हो गया, एम वी स्क्वायर बाय के बाय आर हम लोग डिराइव किए थे. अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब एम वी आर बराबर बोलो एन एच बाय टू पाई. अब ये दो इक्वेशन है या दो अननोन है, कौन कौन, वी और आर. तो आप यदि यहां आर निकाल के पुट कर देते हो तो वी आ जाएगा आपका, चिंता की क्या बात है, करें. तो आर इक्वल्स टू एन एच बाय टू पाई एम वी. गलत नहीं किए तो सही है ये. अब ये आर को चुपके से यहां पुट करो. ठीक है, तो इसको हटाते हैं, तो चुपके से पुट करेंगे तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के बाय आर, स्मॉल आर पुट करो तो एन एच इंटू बोलो ऊपर टू पाई एम वी. ये तो बहुत अच्छा है, एम को एम खा जाएगा, वी को वी खा जाएगा. तो देखो मेरे बच्चे ये टू पाई के, जरा वेरीफाई करना, अपॉन एन वे एच आएगा. तो आप पढ़े होगे एक्सप्रेशन वोर्स हाइड्रोजन एटम में कि वी प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट इनटू जेड बाय एन होता है, जेड बाय एन होता है, एन नीचे रहता है, एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. होता है ऐसा हाइड्रोजन एटम में, देखो एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया ये. ठीक है, यहां हम जेड नहीं लिए हैं, उसके बदला बाकी कांस्टेंट है, के जेड बाय एन होता है. और इस वी का वैल्यू हिम्मत करके यहां पुट कर दो, कर सकते हो, चलो करो अपने से. तो आर इक्वल टू एन एच बाय टू पाई एम
वी यहां से पुट करो तो 2 पाई के एन एच जाएगा ऊपर, देन इट इज सुंदर एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हुआ। सभी लोग जानते हैं कि आर इक्वल्स होता है हाइड्रोजन एटम में 0.53 एंगस्ट्रम एन स्क्वायर बाय जेड। फोर पाई स्क्वायर एम के, प्लीज चेक इट। अब जो तुम टोटल एनर्जी लिखे थे उसमें आर का ही वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हारा टोटल एनर्जी भी आ जाएगा, ठीक है? जरूरत नहीं है लेकिन क्या करना चाहो तो कर सकते हो। टोटल एनर्जी कितना निकाले थे? माइनस के बाय टू आर ना, तो यहां से आर पुट कर दोगे तो जानते हो ये एन स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर, वन बाय एन स्क्वायर होगा, और होता भी है। अब चलो इसको उलटते हैं, लिखो एन इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट रेडियस आर। इसको वीडियो को रोक के पहले उतार लो फिर सुनना। इन ऑर्बिट रेडियस स्मॉल आर सच दैट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज माइनस के बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, के इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। देन फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी। इतने करो, वीडियो को रोक दो। ये माइनस क्या बताता है? देयर इज अट्रैक्शन। तो वीडियो को रोक दो, सफिशियंट टाइम लो और कर डालो। मेरे बच्चों ने इसको कर डाला, अब मैं करता हूं। खुद करने के बाद मेरा देखना जी, खुद करके अब तब हमारा सोल्यूशन देखिएगा। ऐसे नहीं, बेईमानी नहीं करना है, बेईमानी कतई नहीं करना है बच्चा। स्पेस छोड़ देते हैं, अभी यूज कर लेंगे। तो देख लो, तो F बराबर है माइनस के बाय आर स्क्वायर। तो F को लिखेंगे माइनस डी बाई डी आर। अभी किए थे इस टाइप का, तो du बराबर बोलो k बाय आर स्क्वायर डी आर। इसको ऐसे ऐसे करो, प्लस c पुट करो, इसको इंटीग्रेट करो। मैं नहीं करता, ये माइनस k बाय आर प्लस c आएगा। जब r इन्फिनिटी है, इन्फाइनाइट सेपरेशन है, तो हम लोग u को जीरो मानते हैं। ये कन्वेंशन हो गया, मीन्स ये रेफरेंस हमने जो चूज किया उसके हिसाब से हो गया। तो u जीरो है, जब r इन्फिनिटी करोगे तो समथिंग बाय इन्फिनाइट विल बी ऑल्सो जीरो, इससे c हो जाएगा जीरो। इससे अपना पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा बच्चों? इससे अपना पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा u बराबर माइनस के बाय आर। अब आप क्या ढूंढ रहे हो? काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो अपना फोर्स था ना, माइनस अट्रैक्शन बताता है। तो यदि माइनस अट्रैक्शन बताता है तो हम लोग सेंटीपिटल फोर्स में केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, के बाय आर स्क्वायर है इसको कहेंगे, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। सो सेंटीपिटल फोर्स मस्ट बी ऑल्सो मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो इससे ना एम वी स्क्वायर आ जाएगा, कितना?
के वाई आर, ठीक है। अब टू से डिवाइड कर दो, सुखी रहोगे, कर दें यहीं कर दो। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी के वाई टू आर, दोनों को जोड़ दो तो टोटल एनर्जी, दोनों को जोड़ो के प्लस यू करो तो ये आ जाएगा माइनस के वाई टू आर। इसका मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। होल्ड किया, क्यों होल्ड किया भाई? क्योंकि फोर्स जो एक्ट कर रहा है वन बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब सपोज करो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किसी और ही नियम से हो रहा है, तब देखते हैं। तो लिखो एन इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज गिवन बाय एफ इक्वल टू माइनस के आर क्यू, वेयर के इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ये समझना होगा तो वीडियो को रोक के कर डालो, फिर इसको देखना। के इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, देन फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो इस बार देखोगे इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं है, तो टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। तो इसको देखते हैं, वीडियो रोक के पहले खुद कर डालो, तब मेरा सोल्यूशन देखना। आई होप मेरे बच्चों ने खुद से कर डाला, तभी मेरा सोल्यूशन देख रहा है। तो एफ को लिख लेंगे माइनस डी यू बाई डी आर बड़ा माइनस के बाई आर क्यू। तो इसे डी यू बराबर हो जाएगा के बाई आर क्यू डी आर। ऐसे ऐसे करोगे प्लस सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसको इंटीग्रेट कर पाओगे? तो यू बराबर के पावर एक जोड़ो माइनस थ्री प्लस वन, उसी से डिवाइड करो प्लस सी माइनस थ्री। देखो तो ये कितना आता है, क्या माइनस के बाय टू आर स्क्वायर आ रहा है क्या बच्चों? प्लस सी। फिर आर जब इनफाइनाइट लोगे तो यू जीरो एज्यूम किए हैं, तो उसको पुट करके देखो तो सी जीरो आ जाएगा। करके देख लो, अभी बहुत किए, तो यू कितना आ जाएगा करके देख लो, सी जीरो आ जाएगा माइनस के बाय आर एस टू आर स्क्वायर, ठीक। अब माइनस क्या बताता है, वहां पे फोर्स में अट्रैक्शन है, तो अब हम लोग उसका मैग्नीट्यूड केवल लेंगे, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाएगा। के आर क्यू बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इसे एम वी स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई? के बाय आर स्क्वायर, टू से डिवाइड करो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो बच्चे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना आया? के बाय बोलो टू आर स्क्वायर, के बाय टू आर स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया के बाय टू आर स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस, तो दोनों को जोड़ो दो जरा, टोटल एनर्जी के प्लस यू करो तो बच्चे क्या जीरो आया। ऐसा क्यों हुआ कि टोटल एनर्जी निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं आया बताओ? क्योंकि ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं किया। आगे कंटिन्यू करते हैं, लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम व्हिच इज कंस्ट्रेंड टू मूव ओनली अलोंग एक्स डायरेक्शन, व्हिच इज कंस्ट्रेंड टू मूव ओनली अलोंग एक्स डायरेक्शन depends on x coordinate, depends only on x coordinate as given, ठीक है। then in each case
लोकेट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, लोकेट द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ठीक है, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन। तो कई केस देंगे करना, लिखो U इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर एंड K इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, U इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर एंड K इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, K इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ठीक है, वीडियो रोक के पहले इसको कर डालो, ठीक है, तब सॉल्यूशन देखना, और तुम कर डाले, अब हम करते हैं। पहले du by dx ले लो, तो हाफ साफ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये kx होगा और fx बराबर हो जाएगा माइनस kx। मास से डिवाइड कर दो तो एक्सलेशन आ जाएगा x में माइनस के बाय m इंटू एक्स। तो जहां एक्सलेशन जीरो होगा या नेट फोर्स जीरो होगा वहीं इक्विलिब्रियम होगा। तो बताओ कहां नेट फोर्स जीरो है, f को जीरो करोगे एफ एक्स को, तो x कहां जीरो आ रहा है, x बराबर जीरो आ जा रहा है। इसका हम तो इक्विलिब्रियम इज एट ओरिजिन, और ये जनरल इक्वेशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। इसका अंतर रिजल्टिंग मोशन इज एस एच एम और ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम, देन ओमेगा विल बी अंडर रूट के बाय एम। नाउ कैन यू फाइंड द टाइम पीरियड, यस, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के इज द टाइम पीरियड। नेक्स्ट लो, ये फर्स्ट था, सेकेंड लो बच्चों, यू इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, वे अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। थर्ड लो, यू इक्वल्स टू यू नॉट वन माइनस कॉस अल्फा एक्स, वेयर यू नॉट एंड अल्फा इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, यू नॉट एंड अल्फा इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, एंड ऑल्सो बस इतने। तो वीडियो को रोक दीजिए और खुद से कर डालिए दोनों सवाल, खुद से कर डालिए, खुद से कर डालिए और आप कर डालिए। इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं मेरे बच्चे। फर्स्ट वाले के लिए पहले डी बाई डी एक्स कर लेंगे, लेगा 2 अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक। तो ये एफ एक्स हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 2 अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, ठीक बच्चे। एक्सलेशन हो जाएगा, मास डिवाइड कर दो, तो इसमें 2 अल्फा पहले कॉमन ले लो तब डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 अल्फा कॉमन ले लेते, तो माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस बीटा बाई 2 अल्फा, ये 2 अल्फा कॉमन हुआ। नाउ लेट अस फाइंड एक्सलेशन, माइनस 2 अल्फा बाई एम, अल्फा बीटा पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, एक्स माइनस बीटा बाई 2 अल्फा। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं लीनियर एसएचएम में,
कि ई इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्स इज मेजर फ्रॉम नॉट ओरिजिन, इट इज मेजर फ्रॉम मीन पोजिशन। मीन पोजिशन इज द पोजिशन वेयर द नेट फोर्स और द एक्सलेशन ऑफ द ऑस्किलेटिंग पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन द ऑस्किलेटिंग पार्टिकल इज जीरो या एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, ठीक है। सो दिस एक्स इज मेजर फ्रॉम नॉट नेसेसरीली मीन पोजिशन, सॉरी नॉट नेसेसरीली ओरिजिन, इट इज ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजिशन। तो यहां यदि आप एक्सलेशन जीरो करो तो आप क्या पाते हो, एक्स इज कमिंग बीटा बाय टू अल्फा। इट मीन्स द मीन पोजिशन इज नॉट एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्सलेशन को जीरो होने के लिए या नेट फोर्स को जीरो होने के लिए एक्स बराबर जीरो पे एक्सलेशन या नेट फोर्स जीरो नहीं है, ठीक है। कब नेट फोर्स जीरो है या एक्सलेशन जीरो है, जब एक्स का वैल्यू कितना है बताओ, बीटा बाय टू अल्फा। इसका मतलब इसका जो मीन पोजिशन है वो ओरिजिन से शिफ्टेड है। इसका मतलब इफ दिस इज ए स्मॉल एक्स इक्वल्स टू जीरो देन दिस इज द मीन पोजिशन। सो वेयर इज द मीन पोजिशन, एक्स इक्वल्स बोलो बीटा बाय टू अल्फा। अब यहां से यहीं से हम मेजर करें कि इतने को कैपिटल एक्स कह दें। सो नाउ द कैपिटल एक्स इज मेजर फ्रॉम स्मॉल एक्स इज मेजर फ्रॉम ओरिजिन एंड कैपिटल एक्स इज मेजर फ्रॉम मीन पोजिशन, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, यहां से ओरिजिन से एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, तो कैपिटल एक्स का वैल्यू बताओ, एक्स माइनस ये जो कैपिटल एक्स है ये पूरा एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, माइनस बोलो पूरा एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बोलो बीटा बाय टू अल्फा। ये पूरा एक्स कोऑर्डिनेट हुआ ओरिजिन से, ओरिजिन से एक्स, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कैपिटल एक्स आ गया। इसका मतलब यदि एक्स माइनस बीटा बाय टू अल्फा को, ये तो एक्सलेशन जीरो करके निकाल लिए थे, ठीक है, को यदि मैं इतने को कैपिटल एक्स कह दूं नाउ द कैपिटल एक्स इज मेजर फ्रॉम मीन पोजिशन, कैपिटल एक्स इज मेजर फ्रॉम मीन पोजिशन। अब जरा इसमें ये भी देख लो कि रिस्टोरिंग है कि नहीं, तो ये हमारा मीन पोजिशन है। तो यदि हम एक्स ग्रेटर देन बीटा बाय टू अल्फा करते हैं, मतलब मीन से आगे डिस्प्लेस करते हैं, तो ये टर्म पॉजिटिव होगा। एक्स ग्रेटर देन स्मॉल एक्स ग्रेटर देन बीटा बाय टू अल्फा करोगे स्मॉल एक्स, तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, तो एक्सलेशन निगेटिव होगा। इसका मतलब डिस्प्लेस करेंगे आगे तो एक्सलेट हो जाएगा बोलो पीछे। अब एक्स लेस देन बीटा बाय टू अल्फा करोगे, इसका मतलब पार्टिकल आपका इधर है, तो ये टर्म जो है सो निगेटिव हो जाएगा, बिकॉज एक्स इज लेस देन बीटा बाय टू अल्फा, तो दिस टर्म विल बी निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब एक्सलेट हो जाएगा ऐसे। इसका मतलब एक्सलेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजिशन, इट मीन्स एक्सलेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजिशन। इसका मतलब हुआ कि एक्सलेशन हमेशा मीन पोजिशन की तरफ ही डायरेक्टेड है। इसका मतलब मोशन क्या हो गया, SHM, और यही SHM का इक्वेशन हुआ माइनस टू अल्फा बाय एम इन टू बोलो कैपिटल एक्स। अब कोई पूछेगा वेयर इज द मीन पोजिशन, तो कहेंगे जहां कैपिटल एक्स जीरो है, वेयर इज द मीन पोजिशन। आज इसका मन नहीं है, कभी कभी ऐसा करता है ये। वेयर इज द मीन पोजिशन, वेयर कैपिटल एक्स इज जीरो, वेयर कैपिटल एक्स इज जीरो इट मीन्स स्मॉल एक्स इज बीटा बाय टू अल्फा। तो इस बार मीन पोजिशन ओरिजिन से शिफ्टेड है, यही टर्म हमारा क्या होगा बताओ, ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो को यहाँ लिख लेता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी टू अल्फा बाय बोलो एम, तो ओमेगा होगा अंडर रूट ऑफ बोलो, तो टाइम पीरियड बताओ टू पाई एम बाय बोलो टू अल्फा। सुरक्षित हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो रोक के इसको समझ लिए होगे, यदि नहीं किए होगे अपने से तो ये u बराबर है तो fx हो जाएगा u बराबर है u नॉट माइनस u नॉट कॉस ऑफ b इंटू एक्स, तो b इंटू एक्स पूरा एंगल में है तो जरा डी बाई डी एक्स करो भाई, ये खत्म हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, यू नॉट, यू नॉट बी बाहर आएगा, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, प्लस सर अल्फा एक्स लिए थे, बी नहीं लिए थे। अच्छा ये अल्फा था, ठीक है, तो ये हो जाएगा यू नॉट अल्फा, यू नॉट अल्फा साइन अल्फा एक्स, माइनस गायब हो जाएगा तो एफ एक्स क्या होगा, माइनस यू नॉट इंटू अल्फा साइन अल्फा एक्स, इसलिए एक्सलेरेशन हो जाएगा माइनस यू नॉट अल्फा, एफ एक्स होता है माइनस डी बाई डी एक्स, इसलिए डिवाइडेड बाय एम इंटू साइन अल्फा एक्स। तो इसमें एक्सलेरेशन को जीरो करोगे तो एक्स जीरो आएगा, इसका मतलब मीन पोजीशन कहां है, एक्स बराबर जीरो पे मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है एक्स बराबर जीरो पे। आज जरा सोचो साइन थीटा है तो एक्स का वैल्यू रखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये साइन क्या होगा बोलो, पॉजिटिव, तो ये साइन पॉजिटिव हो गया तो एक्सेलरेशन बोलो नेगेटिव, इसका मतलब यदि इसको डिस्प्लेस करते हो आगे तो एक्सेलरेशन है पीछे, और यदि इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हो एक्स को नेगेटिव करते हो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन नेगेटिव हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक्स जब नेगेटिव करते हो ओरिजिन से पीछे लाते हो तो एक्सलेशन हो जा रहा है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक्सलेशन आगे हो गया, इसका मतलब दोनों केस में ये वापस आ रहा है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो जब हमेशा एक्सलेशन डायरेक्टेड हो टुवर्ड्स मीन पोजीशन तो ऑस्किलेशन होना तय है, इफ एक्सलेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजिशन, डिस्प्लेस करो आगे एक्सलेट हो जाए पीछे, डिस्प्लेस करो पीछे एक्सलेट हो जाए आगे, मतलब जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा वहां से डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो क्या होना तय है, ऑस्किलेशन होना तय है। अब ये ऑस्किलेशन सिंपल हार्मोनिक होगा तभी जबकि ये SHM होगा, कब, जबकि हाँ जबकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। तो यहाँ एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न होकर के साइन अल्फा एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लिखोगे सिंस एक्सलेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूअर्ड्स मीन पोजिशन, सिंस एक्सलेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूअर्ड्स मीन पोजिशन, ऑलवेज डायरेक्टेड टूअर्ड्स मीन पोजिशन, देयरफोर जनरल मोशन इज, बट इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बट इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, ठीक, क्योंकि ये साइन अल्फा एक्स के प्रोपोर्शनल है, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, क्योंकि ये अल्फा एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न होकर के साइन अल्फा एक्स के है, हैंस जनरल मोशन इज ओनली ऑस्किलेटरी, जनरल मोशन इज ओनली ऑस्किलेटरी बट नॉट SHM, बट नॉट SHM। आगे लिखो इफ एक्स इज वेरी स्मॉल देन साइन अल्फा एक्स अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू अल्फा एक्स इन रेडियन,
इक्वल टू अल्फा एक्स, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा एक्स। तो छोटा एक्स के लिए एसएचएम हो जाएगा ये, तो माइनस यू नॉट अल्फा स्क्वायर बाय एम इनटू हो जाएगा एक्स। अब लिखो नॉ द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, नॉ द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बोलो यू नॉट अल्फा स्क्वायर बाय एम। अब इसे टाइम पीरियड निकाल लो, इससे टाइम पीरियड निकाल लो, अल्फा स्क्वायर को चाहो तो अंडर रूट के बाहर निकल जाएगा, इसे मेरे बच्चे टाइम पीरियड निकाल ले। आई बात समझ में? एक छोटा सवाल लो, इस वीडियो रोक के समझ लो इसको, कि पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ओनली ऑन एक्स कोऑर्डिनेट गिवन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। गिवन बाय द फॉलोइंग ग्राफ 2 meter, 4 meter, 8 meter, 12 joule। ये रिपीट नहीं हो रहा है? नहीं सर। देन ड्रॉ एफ एक्स वर्सेस एक्स कोऑर्डिनेट ग्राफ, एफएक्स वर्सेस एक्स कोऑर्डिनेट ग्राफ। तो मेरे बच्चे एफएक्स वर्सेस एक्स कोऑर्डिनेट ग्राफ ड्रॉ करना है। वीडियो को रोक दीजिए, इसको खुद से कर डालिए, इसको खुद से कर डालिए। आई होप आप कर डाले हो, मैं इसको करता हूं। तो एफ एक्स अपना होता है मेरे बच्चे माइनस डी यू बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स इज द स्लोप, डी यू बाई डी एक्स स्लोप है, टैन थीटा है, स्लोप इज टैन थीटा, ठीक है। तो यहां से यहां तक स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो टैन थीटा का वैल्यू बताओ, 12 है बोलो, 2 कितना हो गया 6, तो स्लोप हो गया 6, तो एफ एक्स हो गया -6, निगेटिव ऑफ स्लोप होता है, स्लोप पॉजिटिव है तो एफ एक्स निगेटिव होगा, इसमें स्लोप 0 है तो एफ एक्स 0 होगा। अब जब यू घटने लगता है एक्स बढ़ने के साथ तो स्लोप निगेटिव होता है, और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना हो तो इस एंगल का टैन थीटा ले लो, लेकिन केवल न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा, पहले से आपको माइनस डालना पड़ेगा यदि इधर से एंगल लेते हो तो 12/4, तो 12/4 बोलो 3, तो स्लोप हो गया -3। एक पहले से माइनस डालेंगे तो माइनस प्लस, निगेटिव ऑफ स्लोप, और ये 3 newton हो जाएगा। ये 3 newton हो जाएगा।